भारत में महिलाओं को उन्नति एवं संरक्षण के लिए गठित तंत्र कामा विधि कामा संस्थाएं एवं निकाय लिखो। मैकेनिज्म लॉज इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूएटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। इसको यहाँ से चलते समय इस बात को गौर करिएगा आप लोग ना, इसको थोड़ा निबंध में भी प्रयोग करिएगा, निबंध में, ठीक है। देखो, अगर वुमेन एम्पावरमेंट को आपको चित्र से थोड़ा सा ऐसे समझाना हो तो आप आराम से ऐसे तीन सेक्शन, क्या हमने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट के तीन फैक्टर बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जो अगर है तो वुमेन एम्पावरमेंट है, नहीं है तो नहीं है, है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट के थ्री फैक्टर्स में एक तो आप सोशली रिकग्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिसको आप सोशली रिकग्नाइजेशन, इकोनॉमिकली देखिए यानी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक, ये तीन फैक्टर से वुमेन एम्पावरमेंट को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये कारक जो ये जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे में अंतर्निहित हैं, ये भी मान लीजिए। इसको पर्टिकुलर आप नहीं कर सकते कि सामाजिक कर दिया आर्थिक नहीं हुआ, आर्थिक कर दिया, होगा ही नहीं। इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं सोशल जस्टिस, बट केवल सोशल जस्टिस ही कहाँ कर रहे हैं, सोशल जस्टिस कैसे होगा, किसी व्यक्ति के साथ सामाजिक न्याय कैसे होगा। चलो एक महिला को ही लेते हैं कि महिलाओं के साथ सामाजिक न्याय को कैसे आप मानेंगे कि ये सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय स्वयं में एक इकलौता शब्द थोड़ी है। जैसे जब आप किसी व्यक्ति को कहते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट जब आप कहें तो उसमें सामाजिक जो पक्ष है एक पक्ष हो गया, लेकिन क्या आर्थिक के बगैर वो संभव है क्या, और क्या आर्थिकी बिना सामाजिकी के संभव है क्या। भाई आपको क्या सोशल रिकग्नाइजेशन चाहिए, भाई दो दो प्रकार के प्राणी रहते हैं दुनिया में, एक स्त्री एक पुरुष, तो महिला एम्पावरमेंट की बात क्यों होती है, मैन एम्पावरमेंट की बात क्यों नहीं होती है। हाँ, और एम्पावरमेंट में आपने देखे होंगे जनरली इकोनॉमिकली हम ज़्यादा उसको एम्फेसाइज करते हैं, जैसे कहते हैं लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, रोजगार युक्त होंगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, क्यों क्यों भाई, मतलब एम्पावरमेंट का क्या यही एक टूल्स रह गया कि नौकरी करेंगी तो तनख्वाह पाएंगी तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो फिर ये भी तो पता कर लीजिए कि वो बिना नौकरी के उनका रिकग्नाइजेशन क्या था। जोर अगर इसी पर है तो फिर दूसरा जो फैक्टर है कि पहले भी तो महिलाएं नौकरी नहीं करती थी, पढ़ती लिखती नहीं थी, तो क्या उनका सोशल रिकग्नाइजेशन क्या था, तभी तो वो सुनती थी, तभी तो दबी कुचली मानी जाती थी। तो सोशली रिकग्नाइजेशन किसको, अभी आप सुन लीजिए कि ये डीएम है, आप देखिए आपका नजरिया बदल जाएगा, वही बता दें कि नहीं ये ऐसे ही है तो आपका नजरिया बदल जाएगा। कहने का मतलब कि सोशल जो रिकग्नाइजेशन है वो कैसे प्राप्त होगा। हाँ, आप सुनते हैं कि कोई महिला है
बहुत किसी कंपनी की चेयरमैन है, तो वो सोशल रिकग्नाइजेशन के कारण उसको आपने पहचाना कि करोड़ों की कंपनी के कारण पहचाना आपने, करोड़ों की कंपनी की वजह से ना, तो आर्थिक उच्चस्थता के कारण ही तो उसका सोशल रिकग्नाइजेशन भी जस्टिफाई हो गया। क्यों? और सोशल रिकग्नाइजेशन होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल वैल्यू भी तो मेंटेन हो रही होगी, नहीं वो खाने नहीं खा रहे हैं, ऐसे चल रही जिंदगी। क्यों भाई? किसी को भारत रत्न दे दीजिए, एक सम्मान मिला कि नहीं? उस सम्मान के कारण ही तो मंच पे बुलाए जाते हैं, लोग उनको सुनते हैं, तो मिला तो सम्मान, लेकिन बढ़ गया क्या? सोशल रिकग्नाइजेशन। फिर लोगों ने कहा यार इतनी दूर से आए हैं, तो इनके आना जाना खर्चा खाना, इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं टेंडेंसी उसमें इन्वॉल्व हो गई ना। फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, राहुल गांधी। राहुल गांधी पिछले कब से हैं यार, सितंबर से कब से भारत जोड़ो यात्रा पे हैं? सितंबर वगैरह से ही है ना, पूरा इनका अपना हिसाब किताब है, एक लंबे समय का, 5 महीने का है शायद, 150 दिन का है क्या? हाँ जो भी है, मतलब इतने दिन का है। अब आप जरा ये समझिए कि राहुल गांधी को आप पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं? भाई जो लोग जुड़ रहे हैं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, पॉलिटिकली एक पॉलिटिशियन है ये, है ना, तो पॉलिटिकली ही रिकॉग्नाइज, सोशली रिकॉग्नाइजेशन नहीं बोल रहे। कौन है लोग जो पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सोशली नहीं है? हाँ ठीक है ना, तो सोशली रिकॉग्नाइजेशन से पॉलिटिकली, पॉलिटिकली रिकॉग्नाइजेशन से सोशली रिकॉग्नाइजेशन को पाया जा सकता है। आप अमीर होकर के भी सामाजिक मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक मान्यता के साथ भी आर्थिकी सशक्त हो सकते हैं, बल्कि सामाजिक मान्यता से आर्थिकी भी सशक्त कर सकते हैं और राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो सकते हैं। तो महिलाओं को समाज में कहाँ रखा गया? समाज में वो पीछे क्यों रही? प्रॉब्लम शिक्षा की थी ना, प्रॉब्लम कमाई की थी। अभी सुन लेंगे कि एक आदमी पीएचडी करता है, पीएचडी किया हुआ है, कोई लड़की सुन लीजिए आप, इसी क्लास में बैठी हो कोई लड़की, और हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, नजरिया बदल जाएगा कि नहीं? और फिर सुन लिया जाए कि नहीं ये असिस्टेंट प्रोफेसर है फलाना यूनिवर्सिटी में, तो उसकी आर्थिकी और समाज की दुरुस्त हो गई कि नहीं? तो एम्पावरमेंट के ये टूल्स मिल रहे हैं कि नहीं? एम्पावर्ड हो रही है ना। अब उसका पति है, उसके पिता हैं, उसके भाई हैं, जरा उसको हाशिए पर रख के दिखाएं। चलो पिता भाई तो छोड़ दीजिए, पति को मैं कह रहा हूं। तो जब तुम एम्पावर्ड रहोगे, मजबूत रहोगे, है ना, तो जो तुम जो वुमेन एम्पावरमेंट के नहीं होने के कारण जो हाशिए पे थे, मार्जिनलाइज्ड थे, तुम चुप रहो, तुमको समझ में नहीं आता है, अरे इसमें तुमको जानकारी ही क्या है? जो ये वक्तव्य आते थे पुरुषों की तरफ से और मार्जिनलाइज्ड कर देते थे, हाशिए पे रखते थे, वो आपकी शिक्षा और आपकी इकोनॉमिकल स्टेटस के कारण जो एम्पावरमेंट के ये दो टूल्स आपके पक्ष में हैं, इससे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है क्या? हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो तुम, क्या बोल रहे थे उसमें? हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, इसी तरह से ठीक रहेगा। काहे भाई, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। हाँ अब जब ऐसे कर लेते हैं, यही ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, वगैरह वगैरह, तो आप मुझे बताएं कि अब आप, आपका विचार, आपका चिंतन, आपका मन कैसा रहेगा? थोड़ी लिबर्टी क्वालिटी प्राप्त हो गई ना पूरी तरह से, तो लिबर्टी क्वालिटी को संविधान में लिखा हुआ एक शब्द है,
लेकिन आम जिंदगी में वो उतरना चाहिए। लेकिन लेकिन जो आपको अवसर मिलता है, जो सुविधा मिलती है, उसको आप लपकेंगे तब तो ना। पिताजी ने फीस दे दिए भाई, पिता तो कलेजा भी काट के दे देगा आपको, ये तो तय है। लेकिन आप आपको ये चिंता होनी चाहिए ना कि हमारा जो एम्पावरमेंट में जो शक्ति लगाई जा रही है, सशक्तिकरण के लिए जो शक्ति पीछे से लग रही, उसका टाइम का बेजा इस्तेमाल ना करके, बल्कि हम सोशली इकोनॉमिकली कैसे रिकग्नाइज हो सकें आगे, उसके लिए ताकत लगा दें। ताकत आपने लगाई नहीं, माना एक मिनट के लिए, ठीक, तो ये दोनों फैक्टर से बाहर रह गए भाई। पिता है, भाई है, माँ है, वो तो आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपको 10-5 हज़ार की ज़रूरत है वो मदद भी करेंगे, लेकिन आप आत्मनिर्भर तो नहीं हुए ना, और जो वुमेन एम्पावरमेंट का एस्पेक्ट है वो तो नहीं मिला ना। एक तो ये अपना निजी तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट का एक तरीका आप समझ सकते हैं कि पिता अपनी सैलरी काट कर कर अपनी बेटियों को ट्यूशन पढ़ा रहा, कोचिंग पढ़ा रहा, यूनिवर्सिटी स्कूल PhD करा रहा है और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जबकि उसको पता है कि इसका ब्याह शादी भी आगे चल के करना है और इसकी तनख्वाह के 1 रुपया नहीं लेना है। लेकिन वो इस चिंता में ये सब करना चाहता है, और या उसका, आप चूंकि उसकी संतान है इसलिए उसका दायित्व तो भी है कि कल ये समाज में सामाजिक आर्थिक रूप से महत्ता से भरी हो। अब आपको महत्वपूर्ण बना दिया, SDM बना दिया, IAS बना दिया, सेलटेक्स अफसर बना दिया, DSP बना दिया, कुछ भी बन गए आप। अब आपकी शादी कर दिया, वो निश्चिंत है, क्या दाल रोटी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसको मदद की, और सोशली रिकग्नाइजेशन के लिए पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने हक की लड़ाई जानती है, हो गया वुमेन एम्पावरमेंट, अवसर का अपने लाभ उठा लिया। यही अवसर सरकारें देती हैं अपनी योजनाओं से, सब्सिडी देंगी आपको, कुछ ट्रेनिंग देंगी, आप में कौशल विकास करेंगी, आप छोटा मोटा काम कीजिए, हुनरमंद होइए। वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में गवर्नमेंट भी अपनी योजनाओं से मदद करती है, तो जो महिलाएं हुनरमंद हो जाती हैं, जो हेल्प समूह के माध्यम से हो जाएं, सरकार की नीतियों के माध्यम से हो जाएं, हो जाती है ना, आप उनके घरों में जाके देखिए उनका रिकग्नाइजेशन बढ़ जाता है कि नहीं। पुरुष के इस आधे पुरुष के समाज में, पुरुष का पूरा समाज तो है नहीं, आधे पुरुष के इस समाज में जो आधी नारी है, यानी बची हुई जो आधा है उसमें जो नारी है, जो रिकग्नाइजेशन के कारण है ना, कमजोरी के कारण मार्जिनलाइज थी, सीमा पे खड़ी थी, हाशिए पे थी, सीमांत थी, वो मुख्य धारा में चली जाती, फैसलों की मुख्य धारा में, इक्वलिटी में, लिबर्टी में, हर जगह एक्सेप्टेबल हो जाती है ना, हो गया वुमेन एम्पावरमेंट। एक सेगमेंट और बचा है, मान लो पंचायत, तो गवर्नमेंट ने अवसर भी क्या दिया, क्या दिया, राजनीतिक तौर पर देखें 50% महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दे दिया, यहां से बचा खुचा एम्पावरमेंट आ गया, तीनों फैक्टर कंट्रोल में आ गए, आ गए कि नहीं भाई। पार्लियामेंट में ही 33% आरक्षण का जो मुद्दा अटका हुआ है, हम तो कहते हैं 33% क्यों, आधा क्यों नहीं, हाँ, और जो पुरुष हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं क्या बड़े होनहार हैं क्या, आधी महिलाएं चली जाएंगी तो क्या देश की नीतियों में कोई दिक्कत आ जाएगी क्या, हाँ, क्यों भाई, पुरुषों को ये लगता है कि पॉलिसी वही अच्छा बनाते हैं क्या, डकैती वो करते हैं, चोरी वो करते हैं, हत्या वो करते हैं, बलात्कार वो करते हैं, परेशानी दूसरों के लिए वो करते हैं, प्रभुत्व तो खुद करते हैं। रिपोर्ट जाके पढ़िए पार्लियामेंट में कितने आपराधिक किस्म के लोगों की वहाँ पे सीट लगी हुई है, जो बैठ के मेज थपथपाते हैं वो पॉलिसी मेकर हैं, तो वही कौन से दूध के धुले हैं कि जो वो बने रहेंगे तो देश की पॉलिसी बहुत अच्छी बने, आधी महिलाएं क्यों नहीं, हाँ 33% क्यों, हम कह रहे हैं जब आधे आधा है, 50-50 का मामला है, 50 कर दो उसको, चलो लड़कियों की संख्या महिलाओं की कम है, 49 कर दो, तुम्हें क्या उन रहो भाई, तुम्हें सुपरसीड करो, 49% कर दो, कृपा कर रहे हो क्या, और कौन सी महिला है तुमसे खराब पॉलिसी बनाएगी, घर वो चला लेती हैं,
एवरेस्ट वो चढ़ जाती हैं, अंतरिक्ष में वो चली जाती हैं, कहाँ नहीं जाती हैं, तो का कमी है, ठीक है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ये तीन फैक्टर आप इसको समझ के चलिए, ठीक। अब अगर इस तीनों फैक्टर को आप प्लस कर दीजिए तो ये वुमेन एम्पावरमेंट हो जाता है, यही आपको बताना था, लिख लीजिएगा। देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी फैक्टर्स, कामा लगाओ, देयर इकोनॉमिक या सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड इम्पॉर्टेंस भी कर लो, उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहचान तथा महत्ता। अब आप अगर इसको इस दृष्टि से देखें तो आप देखें कि महिलाओं को क्या प्रिविलेज मिला हुआ है ना। तो एक हेडिंग बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज, प्रिविलेजेस कर दीजिए, महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रिविलेज मिला हुआ है। सबसे पहला लिखिए, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। हाँ, कहाँ मिलेगा ये जानकारी, क्यों चला, आर्टिकल 14 में, वही राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट लिखिएगा, मैं आर्टिकल लिखा दूं बाकी आप कर लेंगे क्या, हाँ डिटेल लिखाने की क्या जरूरत है, हाँ शॉर्ट शॉर्ट में लिखा दें, छोटा कर दें क्या, जैसे आर्टिकल 15 है तो पूरा लिखाएं, छोटा कर दें, लिखो। अच्छा, द स्टेट शैल नॉट डिटरमिनेट, द स्टेट शैल नॉट डिटरमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस। लिखिए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, रेस, कास्ट, जाति, जेंडर, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और एनी ऑफ देम, इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 में है, वैसे इसका 15(1) में जाएंगे तो मिलेगा, है ना। 15 लिख के क्लॉज 1 कर लीजिए ब्रैकेट में। अब आगे लिखें, द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। इसको लिखिएगा, आर्टिकल में लिखो बच्चा 15(3), ठीक है ना, आर्टिकल 15(3) कीजिए। आगे लिखिए, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट, टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट। इसमें लिखिएगा, राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी या अवसर की समता होगी। ये आर्टिकल 16(1) में लिखा है, ठीक है। ये इतना तो बच्चा आपने देखे होंगे, फंडामेंटल राइट जो है, ये सारी चीज़ें आ गई फंडामेंटल राइट से जो वुमेन के लिए। अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बताएंगे, है ना।
वैसे जो लोग संविधान नहीं पढ़े हैं उनको शायद उतना क्लासिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन अब तक जितनी बात बोले, असल में 12 से 35 आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट के बीच आता है। तो चूंकि बात ये सारे आर्टिकल आए 12 से 35 के बीच, तो ये फंडामेंटल राइट के सेक्शन का होगा। अब हम 36 से 51 के बीच जो बात करेंगे वो डायरेक्टर प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो आर्टिकल 39 की चर्चा करूँगा यहाँ पर। लिखिएगा, ऑल सिटीजन मेन एंड वुमेन इक्वली, ऑल सिटीजन मेन एंड वुमेन इक्वली शुड हैव द राइट टू गेट एडिक्वेट एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ये आर्टिकल 39 में है। इसका मतलब है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीवन, समान रूप से जीविका, लिख लिया, जीविका के पर्याप्त तो साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, इसी तरीके से लिख लीजिएगा, फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। ऑल सिटीजन, इसमें थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमी, इकोनॉमी इकोनॉमिक कर लीजिएगा, और एनी अदर डिसेबिलिटी, निःशुल्क विधिक सहायता उन्हें जो पीड़ित है, या आर्थिक तथा आर्थिक व अन्य किसी समस्या से ग्रस्त हैं। निर्योग्यता बोला जाता है, डिसेबिलिटी, मतलब उस लीगल एड के उनको दिया जाएगा जो इसके काबिल नहीं है आर्थिक रूप से, या पढ़े लिखे नहीं हैं, निर्योग्य हैं, खुद अपना परसू नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, तो उनको लीगल एड दिया जाएगा। ये आर्टिकल 39A में लिखा है, ये राज्य की ड्यूटी है कैसा करे, नहीं तो कोई शरीफ आदमी फंस जाएगा तो सजा हो पाएगा, क्या फायदा। अरे हमारे, हमारा जो संविधान है चला वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सरकार में जो लोग होते हैं वो उस लेवल पे बात ले नहीं जा पाते, उनकी सीमाएं हैं, दिक्कतें हैं तमाम। आगे लिखो, आर्टिकल 42 में जाएंगे, इसमें इसमें क्या है चेला, लिखो, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन आप सिक्योरिंग द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ लिख लीजिए, काम के न्याय संगत और अच्छी दशाएं और प्रसूति सहायता, बस इतना लिखो, आर्टिकल 42। लिखो पुअर, लिखो पुअर SC ST पुअर एंड SC ST दुर्बल लिख सकते हैं वर्ग हो, विशेष विशेष रूप से SC ST के लिए शिक्षा या और लिख लो संबंधित हितों को अभिवृद्धि करेगा, शिक्षा और संबंधित हितों को, ये आर्टिकल 46 में लिखा है। SC ST लिखो एजुकेशन एंड रिलेटेड इंटरेस्ट,
को लेके काम करना 46 में लिखा, वृद्धि करेगा उसमें, मदद करेगा, पढ़ो लिखो कुछ और भी। आर्टिकल 45 में तो देखें ये स्कूल स्कूल का प्रोविजन है। वैसे इसको इस तरह से कह सकते हैं कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषतः SC ST के शिक्षा और जो अन्य हित संबंधी संदर्भ है उसमें अभिवृद्धि करेगा, ये आर्टिकल 46 में लिखा है। 47 लिख लो। इस 47 में ये लिखना है कि आप न्यूट्रिशन लेवल एंड हाई लिविंग लेवल एंड पब्लिक हेल्थ, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर का ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य 47 में, ठीक है। तो 147 हो गया, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है ये नीति निर्देशक तत्व का, ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आएगा एक लास्ट में हम नीत फंडामेंटल ड्यूटी में एक जगह चर्चा है। क्या चर्चा है? प्रत्येक नागरिक कहा जाता है कि ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है ना। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड गिव अप सच प्रैक्टिसेस विच आर अगेंस्ट द रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन। यह कहने का मतलब है कि भारत के प्रत्येक नागरिक ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के या स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। यह आर्टिकल 51 का के अंगा में लिखा है, ठीक है। इसके बाद मैं आर्टिकल कुछ बता देता हूँ, उसको देख लेना। आर्टिकल 243D ले लो, डी 243D हिंदी में लिख लो, घ। टू फोर्टी थ्री में क्या क्या देखना है मैं बता रहा हूँ बच्चा। एक तो तुम देख लेना आरक्षण, जो महिलाओं को रिजर्वेशन लिखो, उसी में है जो मैं लिखाया हूँ, महिलाओं का रिजर्वेशन पंचायत में। ठीक है, और महिलाओं का रिजर्वेशन नगर पंचायत में। ये सारे प्रावधान किस में मिले? महिलाओं को लेकर के ये संवैधानिक प्रावधान हो लेंगे। अब एक हेडिंग बनाएंगे, भारत के महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून एवं विधायन, ये संवैधानिक हो गया। अब लिखो महिलाओं, भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून व विधायन, लॉज एंड लेजिस्लेशन ऑफ सेफ गार्ड द राइट ऑफ वुमेन इन इंडिया, द राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है भाई। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विशाखा गाइडलाइन है, असल में विशाखा नाम की एक महिला है और उस समय बनाम राजस्थान का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के सुरक्षित और स्वास्थ्य को लेकर के इसमें एक डिसीजन दिया था, इसलिए विशाखा गाइडलाइन क्या है। तो ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया निर्देश से कानूनी समझ गया हो तो ज़रा लिखिएगा, विशाखा गाइडलाइन आर रिलेटेड टू प्रिवेंशन, आर रिलेटेड टू प्रिवेंशन
आप सेक्सुअल हरासमेंट, आप वोमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है हा? इसमें यह है कि विशाखा दिशा निर्देश में यह है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से यह संबंधित है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इन लगा दो पहले, इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन सर्टेन रूल्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द राइट ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज, द राइट ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज टू वर्क इन ए सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। विशाखा बनाम राज्य सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण में काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ नियम तय किए थे। ठीक है, आप लोग ये थोड़ी न्यूज जैसी नहीं लगता, न्यूज जैसे लग रहा, कोई न्यूज सुन रहे हैं आप, है ना। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें कुछ बिंदु बताया उसने, तो लिख लीजिएगा, लिखिए, अकॉर्डिंग टू द विशाखा गाइडलाइन विशाखा दिशा निर्देशों के अनुसार The following unwelcome expression or behaviors के अनुसार निम्नलिखित अशिष्ट भावों तथा व्यवहारों are included under sexual harassment, व्यवहारों को यौन उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक, पहला है शारीरिक संपर्क या इसका प्रयास करना, फिजिकल कॉन्टैक्ट और अटेम्प्ट देयर ऑफ शारीरिक संपर्क या इसका प्रयास करना, फिजिकल कॉन्टैक्ट है। एक तो ये सेक्सुअल हरासमेंट, ये तो हर है ही, दिखता ही है। आगे है डिमांडिंग आर रिक्वेस्टिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना, नेक्स्ट मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क्स, यौन संबंधी टिप्पणी करना, नेक्स्ट शोइंग ऑप्शन फिल्म्स, ठीक है ना, लास्ट में लिख लो एनी अदर अनवेलकम एक्टिविटी, असिस्ट व्यवहार, एनी अदर असिस्ट। अब अगर आप ये करते हैं, मान लीजिए घटना स्थल पे घटना होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, 15 और 21 है ना,
जो उसकी क्वालिटी है, जो लिबर्टी वगैरह जो भी है, और जो उसका गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्थिति है, उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, अरे वुमेन तो तब एम्पावर्ड करेगी जब वो प्रोटेक्ट रहेगी। आप सशक्तिकरण तो छोड़िए, पहले सुरक्षा की चिंता कीजिए। अब रही बात कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, महिलाओं के लिए जो तमाम तरीके के विधायन और नियम कानून कायदे बने हुए हैं, वो तो विक्टिम लोगों को न्याय दिलाएंगे ना। आप विक्टिम हुए क्यों, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं भाई। अगर किसी को बच्चा कोरोना हो गया तो हॉस्पिटल में चला जाएगा। हम यहां ये कह रहे हैं कि यार ऐसा हम लोग कुछ कर ले, कोरोना हो ही ना। तो इसका एक एक हम आपको दो तीन चीज इसमें बताना है। एक तो इसकी विशेषता है, कुछ इसकी विशेषता यही निकल के आती है कि इसके अंदर जो है कार्यस्थलों को काफ़ी चुस्त दुरुस्त कर दिया इसने विशाखा गाइडलाइन में। दूसरा, कार्यस्थल पर महिलाओं को आखिर क्या चुनौतियां क्या रहती हैं, है ना, ठीक है, और वेतन उतन का लैंगिक अंतर यही सब बताएंगे। अब चलो आगे कभी बताएंगे।